बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कल भी हमारा हमने एक प्रोग्राम किया था कि इसराइल को तस्लीम करना या ना करना, ये हुकूमत पाकिस्तान का मसला है, और उसके ऊपर गुफ्तगू हमने की थी। और आज भी सारा दिन, बल्कि सुबह से यही प्रोग्राम हो रहे हैं, और कल भी सारा दिन देखा कि प्रोग्राम हो रहे थे, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में इसका बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इंडियन मीडिया में बात हो रही है, अरब में बात हो रही है, यूरोप में बात हो रही है, अमेरिका कनाडा में बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। हमने खबर ये दी थी, और हमने बल्कि खबर क्या दी, हमने क्या दी थी खबर, हमने एक कन्फर्म की थी कि एक शख्स हैं, उनका नाम है नूरधारी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था 124 इसराइली टीवी चैनल के ऊपर, और वो इसराइल को फॉलो करते हैं, मेरा शायद वहीं रहते हैं। उन्होंने बताया था कि वज़ीर आज़म का एक ख़ास एलची जो उनसे हैं, वो यहाँ ऑफिशियल जो उनसे हैं इसराइल आए हैं, और इसराइल में आके उन्होंने यहाँ के ऑफिशियल से बात की है। प्रॉब्लम ये है कि जो उसके बेनिफिट क्या हैं और ना बेनिफिट क्या हैं, हम इस पर बात करते हैं। कल हम वो सारा वाक़ियात पर बात कर चुके हैं कि ये जो सी चीज़ है, ये आपको अप्रैल में पता लगेगी जाके, जब सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा उसको तो आपके पता लगेगा आपको कि पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके पास पावर नहीं है। जब सेनेट की ताकत उसके हाथ में आ जाएगी तो फिर वो कोई डिसीजन कर सकता है, लोगों को कह सकता है कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है। मेन जो मसला है वो ये हो रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए हैं। बहुत जल्द अगर इन्होंने ताल्लुकात को मुस्तहकम ना किया तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान के वीज़े बंद कर देगा, और ऐसा 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 करके निकालता जाएगा, और इंडियंस और दूसरी कंट्री के लोगों को उस जगह पे एडजस्ट करता जाएगा। फिर बहरीन है, बाकी और इसके अलावा अरब ममालिक हैं जहाँ पे सऊदी अरब का और यूएई का एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और उन्होंने बारी बारी सबने तस्लीम करना है। बहरीन और यूएई कर चुके हैं, सऊदी अरब भी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब वो प्रेशर ये डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि देखो, ये तुम्हारे जो तकरीबन कोई अगर आप पूरे दुनिया में अरब मुल्कों में देखा जाए तो 50 लाख के करीब पाकिस्तानी बनते हैं जो बेरोज़गार होंगे और जो पाकिस्तान वापस आएंगे, उनका कोई एतबार नहीं है, वो लोगों की आंखें अरबों की माथे पर रखी होती हैं, एक मिनट के अंदर नज़रें बदल लेते हैं, वो खुदगर्ज लोग हैं, उन्होंने लिहाज एक मिनट का भी नहीं करना, उन्होंने उसी वक्त उनको निकालना है और जहाज़ों में बिठाना है जैसे जानवरों को बिठाते हैं, उन्होंने इस तरह से जब से ढूंसना है और पाकिस्तान रवाना करना है, बहरी जहाज़ों में ढूंसेंगे और वापस यहाँ भिजवा देंगे। ये अरबों ने करना है, इनको पहले इमरान खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। इतनी डींगे मारने की ज़रूरत इनको कोई नहीं थी कि मैं यूँ नहीं करूँगा और फला नहीं करूँगा, आप आवाम पर छोड़ देते। उन्होंने कहा जी हमारे हालात जो ही ठीक होते हैं हम उसके बाद सोचेंगे, क्योंकि उनके इख्तियार में है ही कोई नहीं, वो एक एक्सक्यूज इतना बड़ा ले सकते थे कि सेनेट उनके साथ नहीं है, सेनेट की पावर जो उनके हाथ में नहीं है, वो टाल सकते थे 4-5 महीने इस बात को टाल सकते, लेकिन उन्होंने नहीं टाला। उन्होंने क्योंकि दिलेरी दिखानी थी, हीरो बनना था, उन्होंने 2-3 लोगों को इंटरव्यू दिए और उसके बाद उन्होंने टिका के कहा कि जी मैं तो कभी अपनी ज़िंदगी में तो कभी नहीं करूँगा। तो ये लोग जितने ज़ालिम हैं वो कहेंगे अच्छा ज़िंदगी भी चाहिए तो ज़िंदगी बात हम करवा लेंगे किसी और से। तो ये लोग जो उनसे हैं बहुत ख़तरनाक लोग हैं, इनसे बचो, इनसे बचो, और अपने आपको डिप्लोमेसी से काम लो। मैंने कल भी कहा था, क्योंकि अगर आपके लोग जो उनसे हैं बेरोज़गार होकर पाकिस्तान आ गए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितनी बड़ी बेरोज़गारी पाकिस्तान में आएगी। आप हीरो ना बने, चाइना ने नहीं इनको खपाना कहीं पे भी, सीपैक के इतने बंदे खपेंगे नहीं जो आप 50 लाख बंदा पाकिस्तान आएगा, उनकी उनके काम की नौयत मुख्तलिफ है, हर आदमी पाकिस्तान आके नहीं खपेगा और बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी। तो खुदारा आप इसको रिविज़िट करो, और आपका कुछ नहीं जाता, आप फ़लस्तीन से बात करो, आप मोहम्मद बिन सलमान को इत्माद में लो, उससे बैठो, उसके पास जाओ, बात करो, और फिर उसके बाद इसराइल से बात करो कि ये हमारे मुतालबात हैं, तुम हमारी भी इज्जत रखो, हम तुम्हारी इज्जत रखते हैं, कुछ इस किस्म का दरमियाना रास्ता निकालो और इसको करो। अगर आप फ़लस्तीन का मसला हल करवा सकते हो तो इससे बेहतर और मौका हो ही नहीं सकता कोई भी, लेकिन आप अपनी हठधर्मी की वजह से शायद ये मौका भी खो दो। ये न हो कि आपके लोग जो उनसे हैं
पाकिस्तान वापस आना शुरू हो जाएं, फिर उस वक्त देखोगे कितनी बेरोजगारी बढ़ती है, कितनी तकलीफ बढ़ती है। और ये नहायत हमारे लिए भी शर्म की बात है कि इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनसे है, जो जिन फौजियों को पाकिस्तानियों ने ट्रेनिंग दी थी उनको कमांड जो है इंडियन आर्मी चीफ करेगा, ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो आप वो वक्त ना आने दो जिस वक्त जो है आपके हाथ से निकल जाए और आप उसको कुछ भी ना कर सको, और नजर ये आ रहा है कि आपके हाथ से वक्त निकल रहा है। दूसरी बात ये बताऊं कि ये इस वक्त जो है पाकिस्तान इस वक्त जंग के दहाने पे आ चुका है, और जंग जो सी है वो इतनी करीब है कि किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। जैसे अब उन्होंने यूनाइटेड नेशन की गाड़ी पे गोली मारी है, गोली चलाई है, और वो पाकिस्तानी एरिया में थे। इंडिया की दिलेरी है ये कि उन्होंने कहा जी मारो, हम तो करते हैं। फिर उन्होंने उनके जो वजीर दिफा ने जो खिताब किया है न्यू कैडेट से, उसमें उसने जिस किस्म की बातें की हैं वो तो उसने खुद कहा है कि जी जंग का तो खतरा हमारे है और किसी वक्त भी जंग पाकिस्तान और इंडिया की शुरू हो सकती है। इंडिया जो उनसे आया वो दो तरफ से डसा हुआ है, और बर्मा ने उसी जगह पर जमीन पर कब्जा कर लिया, चीन ने उसी जगह पर कब्जा कर लिया, और चीन बर्मा और पाकिस्तान से उसकी अब दुश्मनी हो गई है। पहले बर्मा के अंदर इंडिया का एक आम दखल अंदाजी थी, आज वो चीज़ें नहीं हैं। आज जो उनसे है बर्मा उनसे बिल्कुल बाहर आ गया और चीन के साथ उसने इलाहा कर लिया है, और चीन को उसने अपने हवाई अड्डे भी दे दिए हैं, चीन ने अपने हवाई अड्डे से जहाज सेट कर लिए हैं इंडिया पे हमला करने के लिए। और वो इंडिया चाहता है कि हम चीन को तो चलो हम किसी तरीके से बातों में लगाए रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे हम एयर स्ट्राइक करके, जिस तरह हमने पहले बालाकोट के अंदर एक कामयाब एयर स्ट्राइक किया था उनके ख्याल में कि हमने स्ट्राइक किया था जिसके अंदर 300 के करीब हमने लोगों को मार दिया था, जो वो लाशें ही नजर नहीं आई, वो लाशें भी साथ ही उठा के ले गए थे। तो ये इस किस्म की बातें इंडिया कर रहा है, और इंडिया का जो बुजदिल दुश्मन होता है उसका एतबार कोई नहीं होता है, कभी भी मौका उसको मिलेगा वो आप पे वार कर देगा, और इंडिया ने आप पे वार करना ही करना है और नजर ये आ रहा है इस वक्त। तो आपने हर तरफ से अपने ताल्लुक को बेहतर करें, अगर इंडिया हमला करता है इंडिया को पूरी अरबों की सपोर्ट हासिल है, जो इतना जो इंडिया उछल रहा है ना इनको अरबों की सपोर्ट हासिल है, और अरब जो उनसे हैं वो अपनी दुश्मनी में कहीं भी जा सकती हैं, वो इंडिया से आपके ऊपर अटैक करवाएंगे, और इसलिए सर अपने दिल की तसल्ली के लिए, जैसे ये लोग होते हैं ना जालिम लोग होते हैं छोटे बच्चों को ऊँट के ऊपर पीछे बांध के दौड़वाते हैं, अपनी तरह से बच्चा पीछे मर भी जाए उनके दिली तस्कीन होती है सर इन लोगों की, तो ये अपनी दिली तस्कीन के लिए 2-4 हज़ार बंदा मरवा देंगे इंडिया पाकिस्तान की जंग करवा के, तो ये इनकी दिली तस्कीन होगी क्योंकि उन्होंने बदला लेना है क्योंकि पाकिस्तान ने बात नहीं मानी है। तो आप इनको राजी करो, राजी करो, आप इतने समझदार आदमी हो, आप कहते हो जी अब मैं तो टूटी बज्जी टीमों से मैच खेल रहा था, अब जरा ये वक्त है आपके पास आप टीमों से मैच खिलाने का, आप जाओ और एक ताल्लुक को डेवलप करो, जो आपके पास इतना अच्छा बोलने वाला शाह महमूद कुरैशी है उसको आगे करो, उसके साथ खुद जाओ, उसको भी लेके जाओ, उसको बाजवा को जनरल बाजवा को भी साथ लेके जाओ, और इन लोगों को बैठो इनके साथ डायलाग करो, डायलाग करोगे तो कोई मसला हल होगा, और आपको कोई हरज नहीं है इसमें, कोई आपको कोई मौलवी कुछ नहीं खा जाएगा, आप इसराइल के वजीर आजम से मुलाकात करो और उसको उसके साथ बैठ के बात करो, और फलस्तीन के मसले में बात करो, आप बैठोगे सुलह के मूड में बैठोगे तो वो आपकी बात सुनेगा, अगर जंग के मूड में बैठोगे आपकी कभी कोई बात नहीं सुनेगा, ये हमेशा याद रखना। तो अब ये सूरत हाल थी, क्योंकि आज जब मैंने दोबारा सोचा कि मैंने देखा कि हर चैनल इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसके अंदर और इजाफा कर दें क्योंकि ये मौजू जो उनसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अल्लाह बेहतर जानता है, वजीर आजम साहब तो कहते हैं जी हमारा कोई एलची नहीं गया, लेकिन बहुत बाखबर जरा ये कह रहे हैं कि उनका बंदा आया, इसराइल से कहा जाए कि बंदा आया और बात करके गया, तो इसका मतलब जिसके पास बंदा आया वो तो कन्फर्म कर रहा है, जो गया वो कहता मैं तो गया ही नहीं, मैं तो यहीं बैठा हुआ था। तो ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी अभी चंद दिनों के अंदर, एयर टिकट भी सामने आ जाएगा, पासपोर्ट में मोर भी सामने आ जाएगी, हर चीज़ सामने आ जाएगी। खान साहब का ट्रैक कार्ड भी इसी किस्म का ही है, कुछ दिन बाद मानते हैं, फौरन नहीं मानते। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। नाज़िर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।